Hello student, our topic is the moving charges and the magnetic field. It is from the unit magnetic effect of current. जो first topic हम वो discuss करेंगे वो है concept of magnetic field. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है क्या. देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं मैग्नेट का हेल्प लूंगा. ठीक है, सपोज दैट दिस इज एनी मैग्नेट. और इस मैग्नेट में आपको मालूम है दो पोल्स होती हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए आपको एक मैग्नेट चाहिए और एक मैग्नेटिक कंपास चाहिए. अब ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास जो होता है एक मैग्नेटिक निडल से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाते हैं. इस तरीके से ये जो एरो है इसमें मैग्नेटिक निडल लगी होती है. ठीक है, जो एरो है मैं उसको नॉर्थ बोलूंगा और जो टेल है उसको साउथ बोलेंगे. ठीक है, यह है मैग्नेटिक कंपास. ठीक, इसका यूज आप लोग जानते हो, फिल्म वगैरह में देखे होंगे कि इसका यूज जो है समुद्र में ज्यादातर पहले किया जाता था. ठीक है, या जंगल में किया जाता है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, इसका पता लगाने के लिए. हम लोग वो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है इसलिए हम उसका यूज करते हैं. हम लोग यहां समझा जाए मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट. देखिए, जो मैग्नेटिक कंपास जो होता है अगर इसको हम किसी मैग्नेट के पास में ला करके रखेंगे तो ये किसी एक फिक्स डायरेक्शन में आकर के रुक जाता है. इस तरीके से, ठीक है, अगर ये इसके पास में होगा मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में अगर होगा तो वो किसी फिक्स डायरेक्शन में रुका रहेगा. ठीक, अगर इसको हम लोग दूर रख देंगे, मतलब मैग्नेट से दूर रख दें, तो फिर ये इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेगा, ये किसी और डायरेक्शन में रुका रहेगा. ठीक है, किसी रैंडम डायरेक्शन में रुका रहेगा. लेकिन जब इसको हम लोग मैग्नेट के करीब लेकर के आते हैं तो ये मैग्नेटिक मैग्नेट की वजह से किसी फिक्स डायरेक्शन में रुक जाता है. ठीक, या फिर आपको मैं एक अलग तरीके से भी बताऊं तो याद करिए कि बचपन में आप एक एक्सपेरिमेंट करते थे. ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि मैग्नेट से खेलते हैं. ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि एक मैग्नेट ले लिया और एक आल्पीन, आल्पीन समझ लेना छोटा सा आल्पीन जो पेपर में लगाया जाता है, इस आल्पीन को इस मैग्नेट के पास में रखा जाए तो देखेंगे कि हम इसको, ये इसको अट्रैक्ट कर लेता है. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा दूर रख दीजिए. जब आप इसको दूर रख देंगे तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. जब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा इसको धीरे धीरे इसके पास लेकर के आइए. जब इसको पास लेकर के आएंगे तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिस पॉइंट से अंदर की तरफ अट्रैक्शन होगा और बाहर की तरफ अट्रैक्शन नहीं होगा. अगर ऐसे ही ढेर सारे पॉइंट्स आप इसके चारों तरफ फाइंड आउट कर लें और आप एक बाउंड्री बना लीजिए तो आप ये कह सकते हो कि इस बाउंड्री के अंदर अट्रैक्शन होगा और बाउंड्री के बाहर अट्रैक्शन नहीं होगा. या ये बोला जाए कि जो आल्पीन है, ठीक है, ये आल्पीन जो है इस बाउंड्री के अंदर इन्फ्लुएंस में होगी और इस बाउंड्री के बाहर नहीं होगी. तो ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है मैग्नेट के अराउंड जिसमें कि आल्पीन जो है या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इन्फ्लुएंस में आता है,
उस स्पेस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यही बात आप कंपास के लिए भी बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप यहां से ये बोल सकते हो, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक कंपास कैन बी इंफ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेट, दिस स्पेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूं क्या कहीं पर, यही लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक कंपास, एक्चुअली मैग्नेटिक कंपास काफी सेंसिटिव होता है इसलिए मैं उसके बारे में ले रहा हूं, मैग्नेटिक कंपास इज इन इंफ्लुएंस विथ मैग्नेट, दिस स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लिख सकते हो। एक चीज और भी मैं आपको बताऊं कि जब आप मैग्नेटिक कंपास को इस मैग्नेट के पास में रखोगे तो हर पॉइंट पे ये अलग अलग डायरेक्शंस में रुकेगा, ठीक है। हर पॉइंट पे जो ये है अलग अलग डायरेक्शन में रुकेगा, देख रहे हैं, यहां पर से यहां पे डायरेक्शन चेंज हो गया है। आप इसको क्लास नाइन्थ में या टेंथ में आप इसको पढ़ रखे, आपके लिए कोई अचंभे की बात नहीं है ये। तो हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन बदल रहा है, और अगर हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन बदल रहा है इस बात को ये शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है, है ना। तो एक्चुअल में किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ये बहुत ही रैंडम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन दोनों, ठीक है। और इस चीज को समझने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हेल्प से हम लोग किसी भी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं ये हमको ढेर सारी इंफॉर्मेशन देती हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जैसे कि किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है, और किस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हेल्प से हम लोग ये सारी बातों को जान सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको बस इतना बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है मैग्नेटिक फील्ड की। अब आते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है, काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्चुअल में इन्होंने ही बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था 1820 में, सोचिए आज से लगभग 200 साल पहले, ठीक है। इन्होंने बताया
इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट है क्या, मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूं। इन्होंने एक कंडक्टर लिया, मैं डायग्राम ड्रॉ करके पूरा बता रहा हूं। बहुत ही सिंपल सा है, डायग्राम ड्रॉ कर ले, समझा रहे हैं पूरा। यहां पर एक सेल लगाएंगे, एक बार पूरा डायग्राम ड्रॉ हो जाने दीजिए। हाँ, तो यहां पे देखिए एक कंडक्टर है ए बी, ए बी ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने एक सेल के हेल्प से स्विच लगाते हुए, इसको की के बोल देते हैं, लगाते हुए हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक। अलग अलग सिचुएशंस के लिए मैंने अलग अलग डायग्राम ड्रॉ किया है, सब है एक ही चीज लेकिन अलग अलग सिचुएशन को समझाने के लिए अलग अलग डायग्राम ड्रॉ किया है। यहां पर हम लोगों ने एक कंपास भी लिया है, ये कंपास है हमारा। अच्छा, एक बात और भी मैं आपको बता दूं, आपको मालूम भी होगा, कुछ नया नहीं है, कि अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंपास जो होता है वो भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है, जिसकी वजह से वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक जाता है। ये आप पढ़े हैं बचपन से, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो कंडक्टर हम रख रहे हैं वो कंपास के ही डायरेक्शन में रख रहे हैं, मतलब कंपास जो है नॉर्थ साउथ में रुका हुआ है और हमने कंडक्टर को भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रखा है। एरो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और टेल जो है साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब देखा जाए, अब देखिए यह है कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर लिख देते हैं। देखिए ऑरिस्टेड साहब ने सबसे पहले एक कंडक्टर लिया ए बी और इसका कनेक्शन कर दिया ये डायग्राम नंबर वन के हिसाब से। ठीक है, यहां पे की जो है वो ओपन है, यानी कि स्विच ऑफ है। ठीक, जब स्विच ऑफ है तो जो कंपास का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में शो कर रहा है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है कंपास में। ठीक है, स्विच ऑफ है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नो डिफ्लेक्शन।
उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर इस कंडक्टर में अगर हम करंट को फ्लो कराएं, तो करंट कैसे फ्लो होगा, जब स्विच को ऑन करेंगे हम लोग यहां से, ठीक है, जब स्विच ऑन होगा तो उस कंडीशन में करंट फ्लो होना शुरू कर देगा और करंट डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इस तरीके से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और जैसे ही हम लोगों ने देखा कि जैसे ही करंट फ्लो किया, तुरंत ये जो कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ। पहले इसका डायरेक्शन इस तरफ था, लेकिन करंट को फ्लो कराते ही इसमें जो है डिफ्लेक्शन शो किया और कंपास का डायरेक्शन चेंज हो गया, इस तरीके से हो गया डिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट कर गया। जब कंपास डिफ्लेक्ट कर गया तो एक बात सामने आ गई, सामने क्या आई, क्योंकि हम जानते हैं कि कंपास तभी डिफ्लेक्ट करता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जाता है। ठीक है, तो अगर यहां पे कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ है तो इसका ये मतलब है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, तो यहां पे डिफ्लेक्शन शोज दैट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्शन ये बता रहा है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। ठीक, अब उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी बढ़ी और जाहिर सी बात है साइंटिस्ट हैं तो क्यूरियोसिटी तो बढ़ेगा ही, सोचेंगे ही। तो उन्होंने इस बार क्या किया कि करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। ध्यान देना, इधर प्लस था पहले, इधर माइनस था, तो उन्होंने पहले इधर प्लस कर दिया और इधर माइनस कर दिया, यानी कि करंट के डायरेक्शन को बदल दिया और बदलने के बाद स्विच ऑन कर दिया। जब इन्होंने स्विच ऑन किया करंट का डायरेक्शन को चेंज करके, तो उन्होंने देखा कि ये जो डिफ्लेक्शन है इस डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल गया। अभी तक जो निडल दूसरी तरफ घूमी थी, इस बार वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम गई, इस तरीके से। मैं लिख देता हूं डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, अब ये डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन ये किस बात को बता रहा है? ये इस बात को बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तभी तो करंट का डायरेक्शन बदलते ही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बदल गया है। दिस शोज दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दो कंक्लूजन्स जो हैं वो हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट से मिलते हैं। पहला कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। और दूसरी बात ये पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अब देखिए, मैं आपको एक रियल लाइफ से जुड़ा एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आपके घर में वायरिंग हुई होगी तो अंडरग्राउंड वायरिंग हुई होगी, अंडरग्राउंड कह रहा हूं, अंडर वॉल होता है ना कि वो पाइप काट के अंदर डाल देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, पता नहीं चलता है कि तार कहां से गया है।
तो ऐसे सिचुएशन में अगर कभी किसी तार में मान लीजिए ब्रेकिंग हो गई या पूरा वायरिंग जल गई आपकी, भगवान ना करे ऐसा हो, तो उस कंडीशन में आप कैसे वो लोग चेक करते हैं, या मान लीजिए कहीं पर डिफेक्ट चेक करना हो कि कहां पर डिफेक्ट है, ठीक है, मतलब वायरिंग कहां से गया हुआ ये बात जाननी हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि वही मैग्नेटिक कंपास लेकर के दीवार पे जब लोग इधर उधर ले जाएंगे तो जहां से वायर गया होगा उसके आसपास वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा, तो पता चल जाएगा कि यहीं कहीं आसपास से तार गया हुआ है, ठीक है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तब तो करेंट ही नहीं फ्लो होगा, तब नहीं तब गड़बड़ा जाएगा, मतलब डिफेक्ट चेक करने के लिए जान सकते हैं आप। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोट सेवर्ट लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी तरीके से ये बायोट सेवर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। ये बायोट और सेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, एक ही नाम नहीं था। बायोट सेवर्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को एक और नाम भी दिया जा सकता है, वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू द करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, एक्चुअल में इन्होंने बायोट सेवर्ट ने इसी बात को निकाला है, तो ये भी लिखा जा सकता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। चलिए इसको निकालने के लिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया जाए, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। ले लिया जाए, तो मैं ले लेता हूं एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक रैंडम शेप का ले रहा हूं मैं, ठीक है, किसी भी रैंडम शेप का ले लिया, और इसमें जो करंट है वो आई करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में। ठीक, और इस कंडक्टर की वजह से कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, इस पॉइंट पी पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अगर कोई कंडक्टर जो इनफाइनाइट लेंथ का हो या कोई भी चीज जो इनफाइनाइट हो चाहे वर्क डन हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाल लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें टोटल पता चल जाता है। यहां पर भी हम इसी बात का सहारा लेंगे, यहां पर भी एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे हम लोग, एक स्मॉल एलिमेंट ए बी ले लेते हैं, ए बी ये एक स्मॉल एलिमेंट है, ठीक, आपको दिख रहा होगा डीएल लेंथ का, कितनी लेंथ है इसकी डीएल, ठीक, और हम लोग इस ए बी एलिमेंट की वजह से हम लोग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा। चलिए, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर जो है वो हम मान लेते हैं कि ये है आर वेक्टर,
और यहां जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर उन लोगों ने क्या बताया, उन्होंने ये बताया, अच्छा यहां मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड को ना बी से बताते हैं हम लोग, यहां मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, स्मॉल एलिमेंट की वजह से डीबी वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो बायोट सेवर्ट ने ये बताया, फर्स्ट पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द एलिमेंट। सेकेंड पॉइंट, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट डीएल। थर्ड पॉइंट, डीबी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, वेयर इज थीटा इज द एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द पोजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट, डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द एलिमेंट, मतलब आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बायोट सेवर्ट ने बताया। ठीक है, ऊपर के सबको कंबाइन कर दीजिए, कंबाइनिंग अबव अगर सारे बातों कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा, ये सब डायरेक्टली हो गए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और आपको मालूम है बचपन से कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, यहां पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये कांस्टेंट आता है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैं यहां पर इसको ब्रैकेट बना दूं। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम लोग स्मॉल एलिमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा डीबी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल, मैंने आर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, बताता हूं क्यों किया है ऐसा, तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा। आप जानते हो कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा, यही होता है। तो यहां ए की जगह पे डीएल है और बी की जगह पे आर है और साइन थीटा, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर वन, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर टू। अब देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैंने आपको समझाया कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे,
ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो डीबी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बी वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा, देखिए कांस्टेंट जितने वो तो बाहर आ जाएंगे, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और आई, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये बचेगा आपका इंटीग्रेशन साइन के अंदर। ठीक, तो ये होगा आप हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन नंबर थ्री, नहीं हाँ थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं बायोट सेबर्ट लॉ, दिस इज कॉल्ड बायोट सेबर्ट लॉ। ठीक, यहां पर एक चीज और भी बताऊं, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की कोई वैल्यू होगी, तो एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू होती है 10^-7, एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू होगी 10^-7, और इसको बोलते हैं यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, वेबर पर एम्पियर मीटर, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अच्छा, एंड म्यू नॉट इज कॉल्ड, जैसे वहां पे बोलते थे एप्साइलन नॉट को इलेक्ट्रिकल परमिट्यूटी, और यहां पे बोलते हैं इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट में है ना, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, ऑफ द फ्री स्पेस, नॉट है तो फ्री स्पेस के लिए होगा, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो ये है हमारा बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डेट पर।